नमस्कार दोस्तों, एफआईआर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अगर 302 आईपीसी यानी इंग्लिश में कह लीजिए मर्डर, हिंदी में कह लीजिए हत्या के आरोप में अगर हो जाती है दर्ज, तो भाई जो भी व्यक्ति आरोपी बनाया जाएगा उसके लिए देर सवेर परेशानियां होनी तय हैं। गिरफ्तारी निश्चित है कि हो जाएगी देर सवेर कैसे करके भी, और गिरफ्तारी हुई तो जेल जाना तय है, जेल जाना तय है तो जमानत आसानी से होगी नहीं, सबको पता है, क्योंकि यह अपराध भारतीय विधि में सामान्य या गंभीर नहीं जघन्य प्रकृति का है, व्यक्तिगत नहीं सामाजिक है। दो ही दंड 302 आईपीसी में प्रावधानित हैं, वह है आजीवन कारावास लाइफ इंप्रिजनमेंट और मृत्युदंड डेथ सेंटेंस। इन दोनों में से एक दंड मिलना आपको तय है अगर आप दोषी पाए जाते हैं 302 आईपीसी के अपराध में। इसके साथ सेक्शंस और कुछ भी हो सकते हैं, 201 आईपीसी भी हो सकती है या 34 आईपीसी भी हो सकती है अगर एक से अधिक आरोपी हैं, 120 बी आईपीसी भी हो सकती है या अन्य किसी एक्ट अधिनियम के किसी धारा में आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है। तो भाई जब ऐसे सिचुएशन में अगर किसी के ऊपर 302 आईपीसी का आरोप लगता है और गिरफ्तारी हो जाती है, जेल भेज दिया जाता है, समय से चार्जशीट फाइल हो जाती है, तो उस सिचुएशन में हर आरोपी का यह प्रयास होता है, उसके परिवारजनों का, दोस्तों का, मित्रों का प्रयास होता है कि कैसे करके बेल करवा दें। तो बेल मिलने के क्या कारण हो सकते हैं, ऑलरेडी बहुत से वीडियो बना चुका हूं मैं। आज का ये वीडियो एक पॉइंट पर है कि अगर ड्यूरिंग ट्रायल किसी व्यक्ति को जमानत नहीं मिलती है तो उस सिचुएशन में क्या उसके कन्विक्शन यानी सजा होने की संभावना कितनी रहेगी। तो इसी जानकारी को मैं आपको देने वाला हूं कि किन पॉइंट्स के कारण किसी व्यक्ति को जमानत नहीं मिलती है, और जमानत नहीं मिलती है तो उन्हीं पॉइंट्स के कारण आगे सजा की भी संभावना पूरी पूरी रहती है। फ्रेंड्स, जब किसी व्यक्ति को 302 में गिरफ्तार किया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, उसके बाद उसकी जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है मजिस्ट्रेट कोर्ट में, तो वहां से रिजेक्ट ही होनी है, लर्नेड सेशन कोर्ट में वहां से भी रिजेक्ट ही होनी है, इसके बाद आप 439 सीआरपीसी में ही फाइल करते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में, प्रेयर होती है कि बेल के लिए। अब सबसे बड़ी बात आती है कि बेल के ग्राउंड्स। तो भाई अगर स्टोरी यह है कि हत्या करने का कोई मोटिव है, कोई उद्देश्य है, मर्डर वीपन रिकवर हो जाता है, आई विटनेसेस हैं, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग सीसीटीवी फुटेज ऐसा कुछ है जिसमें आप हत्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इन सिचुएशन में तो आप ये मान के चलिए कि बेल तो भाई बड़ी मुश्किल है होना, बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ आपके अगेंस्ट जा रहा है। और उसी ड्यूरेशन में अगर ट्रायल भी स्टार्ट हो जाता है, जो गवाह हैं वो ये कहते हैं कि इन्होंने हत्या की, हत्या का प्रयोजन ये है, तो उस सिचुएशन में फिर तो और भी मुश्किल हो जाएगी आपकी बेल। और ये जो मैंने बताए हैं आपको चार कारण, अगर इनमें से आप किसी वीडियो रिकॉर्डिंग सीसीटीवी फुटेज में क्लियर आपकी तस्वीर बिल्कुल है और आप हत्या करते हुए दिखाई देते हैं, और मर्डर वीपन जो भी हत्या में प्रयोग में हथियार था वह आपसे रिकवर हो जाता है, चाहे वो कोई धारदार हथियार हो, कोई गन हो या अन्य कोई हथियार, और हत्या करने का मोटिव है, तो बेल तो बहुत मुश्किल आपकी है, ट्रायल में भी कन्विक्शन की पूरी पूरी संभावना रहेगी। और अगर आपकी कोई प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री भी है सिमिलर ऑफेंस में, इसी कैटेगरी के अपराध में, तो हो सकता है फिर अगली सजा आपको जो मिले वो मृत्युदंड भी मिल सकती है। तो जो जानकारी मैं आपको देना चाहता था वो यही है, ये चार पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखिए कि 302 आईपीसी ही नहीं, अगर किसी अन्य अपराध में भी सेम सिचुएशन अगर बनती है तो बेल मिलना, खासतौर पर अगर ऑफेंस नॉन बेलेबल है, बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन 302 में नामुमकिन हो जाता है, और कन्विक्शन की भी पूरी पूरी संभावना रहेगी। सेक्शन ऐसा है जिसमें कॉम्प्रोमाइज हो नहीं सकता है, अगर कन्विक्शन हो गया ड्यूरिंग ट्रायल आप बेल में नहीं थे तो अपील में भी आपको जल्दी बेल नहीं मिलेगी।
तो फ्रेंड्स बस जानकारी जो देनी थी मुझे आपको यही कि ये चार पॉइंट जो मैंने बताए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि आप अगर किसी ऐसे अपराध में इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो ध्यान रखिए कि वीडियो वगैरह और सीसीटीवी फुटेज एक जनरल सा फंडा हो चुका है कि ये मिल जाती है, आसानी से उपलब्ध हो जाती है। और अगर उसमें क्लियर रूप से आप साफ सुथरी तस्वीर आपकी अगर नज़र आती है, ये दिखाई दे रहा कि आप ही हैं और आप ऐसा कर रहे हैं, और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से वह रिपोर्ट आ जाती कि ये वीडियो फुटेज सीसीटीवी फुटेज ओरिजिनल है, सही है, इसमें कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, तो आपका बचना मुश्किल ही रहेगा। सो ये ध्यान रखिए कि इस सिचुएशन में आपके पास ऑप्शन ज़्यादा बचते नहीं हैं। ड्यूरिंग ट्रायल बेल नहीं मिली, कन्विक्शन हुआ तो अपील में भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री पता चलता है वो और सोने पर सुहागा हो जाता है कि उस सिचुएशन में तो भाई आपको मैक्सिमम पनिशमेंट भी मिल सकता है। तो जो जानकारी मुझे आपको देनी थी वो ये कि ड्यूरिंग ट्रायल अगर बेल आपको नहीं मिलती है तो वो ये पॉइंट होंगे जो मैंने आपको बता दिए, और इस सिचुएशन में कन्विक्शन की संभावना 100% तक हो जाती है। बहुत से मैटर ऐसे हैं जिसमें काफ़ी कुछ आरोपी जेल में है, क्योंकि जब ट्रायल स्टार्ट हुआ तो सीसीटीवी फुटेज स्पष्ट थी, या जो भी वीडियो फुटेज आया था उसमें स्पष्ट रूप से मर्डर करते हुए दिखाई दे रहे थे आरोपी। वीपन उनके पास से रिकवर हो गया, और उससे एफएसएल की रिपोर्ट वगैरह जो आई उसमें भी ये प्रूफ हुआ कि इसी से हत्या की गई है। गन शॉट था, अगर गोली मारी गई तो उससे पता चला कि हाँ ये गोली इसी, जो बुलेट बॉडी में पाई गई डिजीज के, वो उसी गन से निकली थी और रिसेंटली उसी से फायर की गई थी। मौके पर जो आई विटनेस थे उन्होंने हत्या करते हुए देखा था कि इस व्यक्ति ने हत्या की। उनके बयान जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए थे उनमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं होता है। हत्या करने का स्पष्ट रूप से कारण उल्लिखित है कि मोटिव निश्चित था। बहुत से कारण हो सकते हैं, प्रॉपर्टी विवाद या कोई पुरानी रंजिश, फैमिलियर डिस्प्यूट काफ़ी टाइम से लोगों से चलता रहता है, तो इन सब रीजन से, और साथ साथ और भी जेन्यून कई काफ़ी कुछ रीजन्स हैं जिनका मैं थोड़ा सा उल्लेख नहीं करना चाहूँगा, बहुत से ऐसे रीजन्स हैं। तो अगर इन सब रीजन्स में आपके ऊपर अगर साबित होता है तो भाई सिचुएशन में आपको बेल मिलना तो नामुमकिन है, कन्विक्शन की भी पूरी पूरी संभावना रहेगी। तो फ्रेंड्स जो जानकारी मैंने दी है वो थोड़ी सी डिटेल में ज़्यादा हो गई है, लेकिन इस जानकारी को मैंने बार बार इसलिए रिपीट किया है कि इस सिचुएशन में बेल भी नहीं मिलेगी और कन्विक्शन भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।